जून के महीने में प्रचंड गर्मी पड़ने के बाद जुलाई महीने में बारिश होने से लोगों को राहत तो मिल रही है, लेकिन कई मोहल्लों में बरसात का पानी रुकने और घरों के अंदर जाने से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ ऐसा ही हाल गोरखपुर जनपद के खड़हवा फाटक स्थित साकेत नगर मोहल्ले का है। इस घर में पानी की निकासी सही न होने की वजह से बरसात का पानी कई लोगों के घरों में घुस जाता है, जिससे उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साकेत नगर मोहल्ले में कई ऐसी खाली ज़मीन है जिन लोगों ने अपनी बाउंड्री वॉल भी नहीं कराई है, जिससे बरसात का पानी उनकी खाली पड़ी ज़मीनों में भर जाता है, जिससे कई लोगों के घरों में पानी का रिसाव होता रहता है। लोगों की मांग है कि सड़क को दुरुस्त कराकर नाली की सही तरीके से व्यवस्था की जाए। इस मोहल्ले के लोगों का कहना है कि यहां के पार्षद ऋषि मोहन वर्मा से भी वो कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन बस उन्हें आश्वासन नहीं मिल पाता है। मीडिया से बातचीत करते हुए लोगों ने बताया कि काफ़ी सालों से हम लोग इस समस्या से परेशान हैं। बरसात के मौसम में हम लोगों के घरों और बाहर सड़कों में पानी भर जाता है, जिससे हमको आवागमन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और कई तरीके की बीमारियों का भी संक्रमण बना रहता है। वहीं इस मामले में वार्ड नंबर 12 स्थित साकेत नगर के पार्षद ऋषि मोहन वर्मा ने बताया कि इसका प्रस्ताव काफ़ी पहले भेजा गया था, जो पास भी हो गया था, लेकिन उसे डूडा को दे दिया गया है। दूदान ने इस कार्य को कराया भी है, लेकिन सड़क होने के बावजूद पानी का ठहराव यहां हो रहा है, जिसको लेकर दोबारा प्रस्ताव भेजा गया है। उन्होंने बताया कि चकसा हुसैन मोहल्ले का पानी वहां स्थित एक गड्ढे में भर जाता है, जो ओवरफ्लो होकर इस मोहल्ले में आता है, जिससे कुछ लोगों के घरों में पानी चला जाता है। पार्षद ने कहा कि प्रस्ताव पास होने की बात जल्द ही इस समस्या का निराकरण हो पाएगा। यह मेन समस्या नाली की समस्या है, और यहाँ पर जो है अच्छी व्यवस्था नाली की नहीं है, इसके वजह पानी का निकासी नहीं हो पाता है और हम लोग यहाँ पर 200 साल से परेशान हैं। मेन समस्या नाली की है। नगर निगम में आता है ये? हाँ, नगर निगम में आता है। कौन सा वार्ड है ये? है 12 नंबर, साकेत नंबर 12 नंबर है। 12 नंबर है। कौन है इसके पास जो? ऋषि मोहन वर्मा। क्या इसको उन तक सूचना नहीं मिली? नहीं हुआ अभी तक, नहीं अभी तक तो नहीं हुआ, आते जाते हैं, लेकिन हो रहा नहीं हो पाया। जितने भी खाली प्लाट हैं जो है, ये लोग कभी अपनी बाउंड्री भी नहीं कराए हैं, और सारे मोहल्ले के लोग जो है बहुत ही परेशान है। सारे मोहल्ले में पानी खुस जा रहा है, बीमारियाँ हैं, RO भी नहीं चल रहा है जो है। अभी इतनी दिक्कतें हैं कि जो है सारा पानी उधर से आ करके यहाँ जा रहा है, फिर घर में घुस जा रहा है जो है, यहाँ तक मकान गिरने की भी संभावना है लोगों की। इस बरसात में किस तरीके की दिक्कत है आपको आई है? तो घर में पानी घुस गया सबके अंदर, इससे भी नाली की भी समस्या है। ये भी जिनका है, आज तक भी बाउंड्री तक नहीं करा पाए हैं जो है, इनके वजह से सारे लोग प्रभावित हैं। सालों से ये दिक्कत है? कितने सालों से ये दिक्कत? 200-250 साल से दिक्कत है। दिक्कत ये है कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि प्लाट तमाम खाली है, उसमें पानी भरता है। नाली जो है यहाँ का सबसे बड़ी समस्या है। पानी ये इसका जो लेवल है उल्टा है, पानी निकलता नहीं, समझ गए? और इसके लिए तमाम मतलब कहा भी गया है, मतलब उनसे वर्मा आते तो हैं, लेकिन यह निदान कहते हैं कि जब तक नाली ऊँची नहीं होगी तब तक होगा नहीं। और ये है सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ प्रदूषण की सबसे समस्या है। पानी भी खराब हो गया है, मतलब इस नाली इस जो गड्ढा है ना, इसकी वजह से पानी यहाँ एकदम प्रदूषण हो गया है, और मच्छर का प्रकोप वही है, समझ गए? तो हम लोगों का रहना ही दुश्वार हो गया है चारों तरफ।